भारत के ग्रामीण चिकित्सकों की नज़र हमारे ऊपर बनी हुई है, तो ये हुंकार पूरे देश तक जाएगी और आने वाले समय में हम लोगों कहीं ना कहीं सरकार समायोजन करेगी। स्वच्छता की बात है, हम भी आपके साथ हैं। जय ग्रामीण चिकित्सा, जय ग्रामीण चिकित्सा, जय बिहार, जय बिहार। बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि हम अब छोटे नहीं हैं, हमारी संख्या बल है। लोग झोला छाप बोल करके उसको कहते हैं, तो अब झोला छाप तो हम लोग रहे नहीं, हम लोग सरकार के द्वारा उसको एग्जाम दे करके पास किए गए। बिहार में हमारी संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गई है। हम लोगों को अब स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवा से हम लोग को जोड़ने का काम किया जाए। बैठक का उद्देश्य क्या है? आज जो ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक हुई है, उसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको जो है सरकार समायोजन करे, है ना। इसके लिए हम लोग इस बैठक को बुलाए हैं। सरकार जो है 9 तारीख को पटना रविंद्र भवन में एक समायोजन का, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन का प्रोग्राम रखी है। उस प्रोग्राम के तहत हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित हुए हैं, और हम सभी ग्रामीण चिकित्सक पूरे बिहार से लगभग 50,000 से भी ऊपर हैं, और हम लोग जो है पटना रविंद्र भवन में चल करके बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि हम अब छोटे नहीं हैं, हमारी संख्या बल है, और हम जो ट्रेनिंग लिए हैं और यह ट्रेनिंग करवाए आप ही ने करवाया है, तो इसलिए अब हम लोगों को समायोजन सरकार अपने व्यवस्था के तहत कर दे, और इसके लिए जो है इस मांग को रखने के लिए पटना के श्री रविंद्र भवन में 9 तारीख को हम लोग उपस्थित होंगे। क्या आप लोगों का मुख्य मांग क्या है सर? मुख्य मांग है हम लोगों का कि सरकार हम लोगों को प्रशिक्षित जिस हिसाब से की है, और तो सभी लोगों को समायोजन PHC के द्वारा किया जाए, ताकि हम लोग आज के समय में हम लोग बेरोजगार जो है, और लोग झोला छाप बोल करके उसको कहते हैं, तो अब झोला छाप तो हम लोग रहे नहीं, हम लोग सरकार के द्वारा उसको एग्जाम दे करके पास किए गए। इसी हिसाब से हम लोग का समायोजन, हम लोग का मेन उद्देश्य समायोजन है। लोग सरकार जो है ना, हम लोग को शिक्षित कराकर, प्रशिक्षण देकर, और कहीं ना कहीं सरकारी समायोजन में, सरकारी PHC में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कराए, उससे हम लोग को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगी, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी उससे बहुत फायदे मिले। कितने दिन से आप लोगों का ये मांग चल रहा है? हम लोग का मांग तो लगभग जो है 2018 से ही चल रहा है। अब समय आ गया है कि इसको सरकार पूरा करे, इसी उद्देश्य से हम लोग जो है 9 तारीख को वहाँ पटना में पहुँच करके, लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को पूरी करेगी। लग तो रहा है। 100 ग्रामीण चिकित्सक हम लोग आज शामिल हुए हैं इस मीटिंग में। क्या निर्णय लिया गया? सभी लोग एक समान संविधान। हम लोग को 9 तारीख को पटना जाने का निर्णय लिया गया है। मेरा नाम श्रीनारायण प्रसाद है, मैं घोड़ासान प्रखंड से बिलोंग करता हूं। हम सरकार जो है ना, यह अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराने के लिए 2015 में हम लोगों को फॉर्म NIS के तहत फॉर्म भरवाया, फिर समय आने पर हम लोगों को ट्रेनिंग करवाई सरकारी अस्पताल में। सरकारी डॉक्टर ने हम लोगों को ट्रेनिंग कराया। 2019 में हम लोग पास आउट हुए थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उस समय जब पास आउट हुए, तो हमारे पूरे बिहार में 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या थी। हमने बार बार, संख्या तो कम था, लेकिन हमने बार बार समय आने के बाद में पटना की धरती पर पूरे बिहार से ग्रामीण प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने जाकर धरना प्रदर्शन, हमारी अपनी मांग की हम लोगों को कुछ जब ट्रेनिंग कराई है सरकार, तो हम लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन करें। लेकिन उस समय संख्या बल हम लोगों की कम थी, लेकिन जो ही सेकेंड बैच जब प्रशिक्षित हुए, पास आउट हुए, तो हमारी जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा की जनसंख्या हो गई है पूरे बिहार में। अब हम लोगों की संख्या कम नहीं है। सरकार सोचती है कि इन लोगों को जिस तरह टहलाकर बहलाकर पिछले कम से कम हो गया आज 9 साल से टहला बहरा रही है सरकार हम लोग, लेकिन सरकार ने, हमारे कुछ साथी ने सरकार से मांग की कि हम लोग को
सरकारी सेवा में लिया जाए। लग रहा है कि अब आप लोगों की बात को माना जाए। हाँ हाँ जरूर, इसलिए कि आगामी आने वाले 9 सितंबर को पटना के रविंद्र भवन में एक पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए स्वास्थ्य समागम का आयोजन किया गया है, और हम पूरे बिहार से अधिक जनसंख्या बल में पहुंचकर सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग अब प्रशिक्षित हो गए हैं, पूरे बिहार में हमारी संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गई है, हम लोगों को अब स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवा से हम लोग को जोड़ने का काम किया जाए। और 9 तारीख को जो स्वास्थ्य समागम है जो पिछले 10 साल के बाद में आयोजित किया जा रहा है, तो इसकी हुंकार सिर्फ बिहार ही नहीं ये पूरे देश में जाएगी, क्योंकि पूरे देश के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनकी नज़र बिहार पे ही रहती है। और सबसे पहले बिहार में ही जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था NIOS के द्वारा, जब HRD मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने घोषणा की थी 2015 में, और उसके बाद हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं एग्ज़ाम दे करके। तो ये पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों की नज़र हमारे ऊपर बनी हुई है, तो ये हुंकार पूरे देश तक जाएगी और आने वाले समय में हम लोगों कहीं ना कहीं सरकार समायोजन करेगी। बैठक का निष्कर्ष निकला है, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि जो 9 सितंबर को हम लोगों को पहुंचना है पटना स्वास्थ्य समागम में, तो बड़ी संख्या में हम लोग तो कम से कम 3 बस घोड़ासान ढाका और चिरैया मिला करके यहाँ से निकालने का प्रोग्राम हो रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने ये जो हुजूम है, जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, जो पूरे बिहार में 50,000 हैं, लेकिन इन 3 जो प्रखंड है इनमें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। सभी लोग आपकी बातों को मानने के लिए रेडी है? बिल्कुल, यहाँ सर्वसम्मति से।